दोस्तों आज की डेट में स्मार्टफोन तो हम सभी यूज करते हैं, इसीलिए स्मार्टफोन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मेरा फोन गेम खेलते वक्त बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है, मेरा फोन गर्म होकर लैग करना शुरू कर देता है, या मेरा फोन गर्म होने के बाद रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। तो आज इस वीडियो को आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको अब इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहां पर सबसे जरूरी बात आपको ये देखनी होती है कि आपके फोन का कौन सा हिस्सा ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि फोन के गर्म होने की वजूहत अमूमन दो ही होती हैं। एक कि आपके फोन का प्रोसेसर, जीपीयू या सिस्टम ऑन चिप, जिसे हम एसओसी भी कहते हैं, वो पार्ट हीट हो रहा है, या दूसरा आपके फोन की बैटरी हीट हो रही है। तो दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें कैमरे के आसपास प्रोसेसर, जीपीयू और एसओसी होती है, और यहां पर नीचे की तरफ बैटरी होती है। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपका फोन कैमरे के आसपास से ज्यादा गर्म होता है या नीचे इस साइड से ज्यादा गर्म होता है। अगर तो आपका फोन कैमरे के नजदीक से गर्म है तो आपको और काम करने पड़ेंगे, और अगर यहां नीचे की तरफ से गर्म है तो आपको और काम करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई ऐप या गेम वगैरह खेलते हुए आपका फोन गर्म होता है तो ये बुरी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है कि आपके फोन से हीट बाहर आ रही है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ओवर हीटिंग प्रॉब्लम की। जैसे कि अगर आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा गर्म होती है तो इसके बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने फोन का ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, या आपका फोन नॉर्मल चार्जर को सपोर्ट करता है और आप उसे फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपके फोन की बैटरी बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। उसके बाद आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म है और आप अपने फोन को कवर में डालकर चार्जिंग पर लगाया हुआ है आपने, तो इससे भी फोन की बैटरी पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप फोन को कवर में से निकाल कर चार्जिंग पर लगाएं और चार्जिंग होते हुए फोन को कभी भी इस्तेमाल ना करें। उसके बाद सबसे अहम बात कि अगर आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है तो उसे रिप्लेस कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो बैटरी बैकअप तो आपको कम मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ फोन के हार्डवेयर पर भी बहुत स्ट्रेस रहेगा, जिससे आपके फोन की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। तो बैटरी को फौरन तब्दील कर देना चाहिए अगर आपको बैटरी बैकअप सही नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका फोन कैमरे के आसपास से हीट हो रहा है तो उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पर सीपीयू, जीपीयू और एसओसी चिप्स लगी होती हैं। अगर वो चिप्स हीट हो रही हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी हाई एंड फोन्स आ रहे हैं उनमें जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर स्मूथली काम कर सकते हैं। तो इससे फोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम आपके हाथों को होगी कि फोन काफी हीट हो रहा है। लेकिन ऐसा होने से थर्मल थ्रॉटलिंग होती है। अब थर्मल थ्रॉटलिंग क्या है? तो फोन में ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं कि फोन जब अपनी बर्दाश्त से ज्यादा ओवर हीट होना शुरू होता है तो फौरन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को कम कर दिया जाता है, और आप अपने फोन में जो भी ऐप यूज कर रहे होते हैं या गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो वो लैग करना शुरू कर देती हैं, और आप खुद ही उन सब चीजों को क्लोज कर देते हैं कि यार अब तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो उसको हम कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। अब दोस्तों यहां पर आपको ये नोट करना होगा कि अगर आपका फोन नॉर्मल यूज पर भी हीट होना शुरू हो जाता है तो ये एप्लीकेशन की वजह से भी हो सकता है, मे बी कि आपके फोन में कोई ऐसी ऐप है जो बैकग्राउंड में बिना किसी मकसद फोन में चलती रहती हैं, प्रोसेसर या जीपीयू को यूज करती रहती हैं, या फिर आपके फोन के सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब यहां पर अगर तो आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो आपको फोन में दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा या फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम एप्लीकेशंस की वजह से आ रही है तो आप उसको देख सकते हैं कि कोई ऐसी ऐप तो नहीं जो फोन के बैकग्राउंड पे हर वक्त चलती रहती है, उसको यूज करती रहती है, जैसे फेसबुक है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप वगैरह हैं, या लोकेशन ट्रैक एप्स वगैरह हैं।
तो आप उनको क्लोज कर दें, और अगर आप उन एप्स को यूज नहीं करते तो उनको अनइंस्टॉल ही कर दें। तो बस दोस्तों, स्मार्टफोन ओवरहीटिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।